नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हांगकांग की हैं। लाखों प्रदर्शनकारी हांगकांग की सड़कों पर जमा हैं। रविवार को भारी बारिश के बावजूद लोग छाते लेकर प्रदर्शन में हिस्सा लेते रहे। ये तस्वीरें हांगकांग आंदोलन की प्रतीक बन गई हैं। बीते दिनों चाइना ने इन विरोध प्रदर्शनकारियों को चरमपंथी गतिविधि करार दिया। हांगकांग के नज़दीकी शेंजेन शहर के पास चीनी सुरक्षा बलों के एकत्र होने से जुड़ी तस्वीरें सामने आई थीं। चीन की सरकारी मीडिया ने हाल में कई तस्वीरें प्रकाशित की जिनमें गाड़ियों में भर भर कर आ रहे हथियार बंद चीनी सुरक्षा बल देखे जा सकते थे। लेकिन आंदोलनकारी झुकने को तैयार नहीं। हांगकांग के आंदोलन ने उस देश को भी रास्ता दिखा दिया जो अब तक चीन के दबदबे के अंदर तड़प रहे थे। उन्हीं में से एक है ताइवान। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं जिनमें से लोग अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं और उन पर लिखा है ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना। ये तस्वीरें तेजिंदर पाल सिंह बंगा के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। जिन लोगों ने प्ले कार्ड पकड़ रखे थे वो ताइवान के नागरिक थे। आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ताइवान तो खुद एक देश है, फिर वहाँ के नागरिक ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना के प्ले कार्ड क्यों लहरा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ताइवान एक ऐसा देश है जो देश होते हुए भी देश नहीं है। ताइवान की अपनी राजधानी है, अपनी सरकार है, अपनी सेना है और अपनी मुद्रा भी है। लेकिन इसके बावजूद ताइवान एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं है। चीन ने इसे अपना एक प्रांत घोषित कर रखा है। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चीन का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान चीन की समुद्री सीमा से मात्र 100 मील की दूरी पर स्थित एक ऐसा द्वीप है जिसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है। ताइवान के वर्तमान को समझने के लिए उसके इतिहास पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। 1927 से 1950 तक चले गृहयुद्ध के बाद माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जीत दर्ज की, तो सत्ताधारी रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के नेता और समर्थक भागकर ताइवान चले गए। उस वक्त तक ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र था और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी था। ताइवान को लगा कि अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए माओ से तुंग उस पर हमला कर देंगे। ताइवान ने अमेरिका से मदद मांगी और उसके संरक्षण में चला गया। 1950 में अमेरिका ने जल सेना का जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच समुद्री में पहरेदारी करने के लिए भेजा। सन 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हावर ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। गुजरते वक्त के साथ चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधरते चले गए। चीन का दबाव बढ़ने लगा तो 1971 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया। धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। ताइवान में स्वतंत्र पहचान के लिए छटपटाहट है। बीते सालों में कई बार चीन और ताइवान के बीच हालात बिगड़े और चीन ने अपनी मिसाइलें ताइवान की ओर मोड़ दी। चीन अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान का उससे अलग होना उसकी ताकत पर प्रश्नचिन्ह लगाएगा और साथ ही साथ एशिया में उसका रुतबा भी घटाएगा। दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि ताकत के बल पर एक छोटा सा देश ताइवान चीन से जंग लड़कर आज़ाद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हांगकांग आंदोलन ने ताइवान को एक उम्मीद दिखाई है, एक राह दिखाई है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया जा सकता है और हो ना हो उसे हासिल भी किया जा सकता है।